हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 25 NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसमें बैंक क्रेडिट टू NBFCs इससे रिलेटेड, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, साथ के साथ उनसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं, किस तरह के MCQs पहले पूछे गए हैं और कैसे MCQs आगे पूछे जा सकते हैं, इनको भी डिस्कस किया जाता है। ओके, सो थ्रू दिस सीरीज यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, विच काइंड ऑफ MCQs कैन बी आस्ड। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट टेल यू, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस। इफ़ आपके पास जो है टाइम की कमी है, अगर टाइम है तो अपने आप पढ़ सकते हैं, बट टाइम की कमी है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर सम गाइडेंस एंड एडू टैप हैज़ कम अप विद दिस मास्टर कोर्स टू प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक गाइडेंस। IIFS, AFM, PPB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियोस, क्विज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन एंड लाइव क्लासेस फॉर रिविजन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो एज टू अवेल दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स। तो चारों कंपोनेंट्स का एक साथ कोर्स है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी है। लेट्स आपका PPB हो गया, बाकी तीनों बच्चे, तो यू कैन अवेल दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अवेल कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट देन आपको डेफिनेटली जैब 75 कोड यूज़ करना चाहिए टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर कोर्सेस यू आर परचेजिंग। सो हरी अप, राइट। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंक क्रेडिट NBFCs को जो दिया जाता है उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को। तो RBI के साथ जो रजिस्टर्ड NBFCs हैं उनको जो बैंक क्रेडिट दिया जाता है, NBFCs बैंक क्रेडिट ले क्यों रहे हैं सर? NBFCs हैं क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सो दे डू फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड वन ऑफ द एक्टिविटीज टू प्रोवाइड लोन्स प्लस एडवांसेस। तो लोन एंड एडवांसेस देना है तो उनको खुद ही पैसा भी चाहिए होगा ना, तो कई सारे NBFCs तो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले लेते हैं विच आर नॉट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन नेचर। बट दीज NBFCs अदर दैन दैट देर आर सर्टन NBFCs विच कैनॉट टेक, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो दे कैनॉट टेक मनी फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। सो उनको तो लोन ही लेना है ना, बैंक से लोन लेते हैं एंड देन दे लेंड इट, तो इंटरेस्ट डिफरेंस जो भी है दैट इज़ देयर प्रॉफिट। ठीक है, स्प्रेड भी कह सकते हैं इसे। तो बैंक क्रेडिट अगर RBI के द्वारा कुछ NBFCs RBI के अंडर रजिस्टर्ड होते, सम आर नॉट, तो विच आर इज रजिस्टर्ड एज पर RBI, तो उनको बैंक क्रेडिट किस तरीके से दिया जा सकता है, फॉर वॉट पर्पसेस एक्टिविटीज, वील हैव अ लुक एट दैट। बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी होना चाहिए और प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के बेसिस पर, RBI की गाइडलाइंस के बेसिस पर ये लोन्स वगैरह दिए जाने चाहिए। कौन से एक्टिविटीज़ के लिए दे सकते हैं? फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, लोन, फैक्टरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, सेकेंड हैंड एसेट से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज़ NBFC कर रहा है देन उस तरह के लोन को, उस तरह के एक्टिविटी को करने के लिए लोन दिया जा सकता है उनको। बैंक क्रेडिट पर कोई सीलिंग है क्या नेटवर्न फंड के बेसिस पे? यस, विदड्रॉन फॉर NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI। तो जैसे बैंक क्रेडिट है वो नेटवर्न फंड से लिंक्ड है एंड RBI का जो यहाँ पर नॉर्म्स है उसके हिसाब से बैंक को उस चीज़ को लिमिट करना है अपने नेटवर्न फंड से लिंक करके। तो नेटवर्न फंड इज़ द एंटायर फंड दैट द NBFC हैज़, ठीक है, और उसको सेटअप करने के लिए या फिर उसके पास जो पैसे अभी बच रहे हैं। तो दिस मनी लेट्स इट इज़ 100, तो इसका कुछ परसेंटेज जो है लोन लिया जा सकता है इस तरीके से। नीड बेस्ड फाइनेंसिंग भी की जा सकती है, लेट्स से NBFC को सडनली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो दैट कैन ऑल्सो कैन बी प्रोवाइडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हायर परचेज, लोन, फैक्टरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब NBFCs जो RBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं उन NBFCs का क्या? ठीक है, तो कैन दे ऑल्सो टेक दिस बैंक लोन? तो कौन से NBFCs एक्चुअली RBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और इस कैटेगरी में आते हैं? लेट्स सी, इंश्योरेंस कंपनीज, निधि कंपनीज, वी हैव सीन द अदर डे ना, चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाई जाती है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड सुपरवाइज जिनको करता है। तो ये सारे आपके RBI के साथ एसेंशियली रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो इनको क्या बैंक क्रेडिट दे सकते हैं अगर ये NBFCs एस्टैब्लिश हो रहे हैं तो? येस, क्रेडिट कैन बी गिवन बेस्ड अपॉन द मेरिट, पर्पस क्या है, नेचर, क्वालिटी क्या है, रीपेमेंट कैसे होगा, इस पे बेसिस पर बैंक्स कैन डिसाइड कि इनको लोन देना है या नहीं देना है।
नाउ द थर्ड थिंग इज एनबीएफसी कौन सा एक्टिविटीज करने का उनको जो है एलिजिबिलिटी नहीं है. सो दिस हैज बिन आस्क्ड इन द एग्जाम, यू शुड बी केयरफुल. एनबीएफसी कैन नॉट डू विच ऑफ दीज एक्टिविटीज एक्चुअली, ठीक है. बिल्स डिस्काउंटिंग, री डिस्काउंटिंग एनबीएफसी नहीं कर सकते. तो बैंक के पास कोई बिल लेके जा रहा है, कोई सेलर है, ही इज टेकिंग दिस बिल टू द बैंक एंड देन बैंक कैन डिस्काउंट इट. 100 रुपीज़ का बिल है तो बैंक कैन प्रोवाइड लोन ऑन इट 90 रुपीज़. लाइक गोल्ड लोन वगैरह देते हैं ना, ऐसे बिल को गिरवी रख के बिल लोन, ठीक है, उसे बिल डिस्काउंटिंग री डिस्काउंटिंग कहते हैं. तो ये जो है किया नहीं जा सकता बाय द एनबीएफसी एक्सेप्ट टू और थ्री व्हीलर. टू एंड थ्री व्हीलर्स रिलेटेड बिल डिस्काउंटिंग री डिस्काउंटिंग वगैरह किया जा सकता है. देन एनबीएफसी जो इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके के रिस्ट्रिक्टेड है, करंट एंड लॉन्ग टर्म नेचर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते, बट नीड बेस्ड फाइनेंस एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी को चाहिए तो वो दे सकते हैं. यानी कि सडन फाइनेंस है तो करंट लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं, बट इन जनरल जो है करंट या फिर लॉन्ग टर्म के फंड्स वगैरह जो है वो नहीं दे सकते. अनसिक्योर्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वगैरह नहीं दे सकते. जो डेफिनेटली एनबीएफसी जो भी लोन दे रहे हैं, दे शुड बी सम कोलेटरल अटैच टू इट, ठीक है. अगर नहीं है तो दे कैन नॉट लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर सब्सिडियरी ग्रुप कंपनीज को नहीं दे सकते. लेट्स से आई वॉन्ट लोन कि मैं शेयर्स को सब्सक्राइब करूँ, तो द एनबीएफसी कैन नॉट गिव. कोई ब्रिज लोन्स नहीं दे सकते, शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन्स. लेट्स से आपको सडन लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो डीजे, बट शॉर्ट टर्म में का लोन जो है बहुत हाई इंटरेस्ट वाला नहीं देना है आपको. शेयर्स एंड डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज. तो शेयर्स डिबेंचर्स को अपने खुद के शेयर्स एंड डिबेंचर्स आप कोलेटरल नहीं रख सकते फॉर टेकिंग लोन्स एंड ऑल. गारंटीज फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लोन्स, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लोन्स के लिए गारंटी भी एनबीएफसी नहीं प्रोवाइड कर सकता. ओके, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. एनबीएफसीज आर नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज. जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस. लेट्स सी हू गिव्स द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऑल द बेस्ट.